हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवानी एक बार फिर से वेलकम है आप सबका मेरे चैनल स्वास्थ्य शिवानी के संग में। आज बनाएंगे एक मजेदार सी चटनी, आपको दिख रही है ना, इसी की रेसिपी मैं शेयर करूंगी। बहुत अच्छी बनेगी, बहुत कम इमली में इतनी सारी चटनी बनके तैयार होगी। और चटनी की जो रेसिपी मैं बताऊंगी, इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो आप 2 महीने तक इसको स्टोर करके रख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल स्वास्थ्य शिवानी के संग को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए और रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए एंड फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिए ये 50 ग्राम इमली का गूदा, ये बाजार में आराम से मिल जाता है। देखिए, इसमें बिल्कुल भी बीज नहीं है और इसको हम लगभग 1 से 1.5 घंटे के लिए भिगो के रख देंगे। ये देखिए, लगभग 1 से 1.5 घंटा हमने इमली को पानी में भिगो दिया था। अगर आपको जल्दी चाहिए तो आप थोड़ा सा गर्म पानी में इमली के गूदे को भिगो दीजिए और इस तरह से हम स्पून से मसल के इसको एक मिक्सी के जार में डाल के इसका हम पल्प बना लेंगे। अगर आप चाहिए तो आप हाथ से भी मसल का इसका पल्प निकाल सकते हैं, लेकिन मिक्सी में करेंगे तो बहुत आराम से जल्दी से हो जाता है। ये देखिए, हमने इसको पीस लिया है और इस तरह से हमारा पल्प बन गया है। अभी हम इसमें डाल देंगे 1 कप के करीब पानी, इसको मिला लेते हैं और इसको अब हम एक बाउल पे लगाते हैं एक चलनी और उसमें हम छान लेते हैं। और ये मिक्सी के जार में जो थोड़ा सा हमारा अभी पल्प लगा हुआ है, इसमें हम 2 से 3 चम्मच पानी को और ऐड कर देते हैं और हिला के हम इसको भी इसी में डाल देते हैं और इसको अच्छे से अब हम छान लेंगे। ये देखिए, हमने अच्छे से सारा पल्प छान लिया है और इस तरह मिक्सी से पीसने में क्या होता है ना कि बहुत कम हमारा ये वेस्ट बचता है। इसको अब हम अलग कर देते हैं। इस तरह से हमने देखिए इतना पतला, आप सोच रहे होंगे कि चटनी तो बहुत गाढ़ी होती है, तो अभी मैं इसमें एक ट्रिक्स बताऊंगी जो ये बहुत गाढ़ी, बिल्कुल जैसे होटलों में रेस्टोरेंट्स में इमली की चटनी मिलती है ना, चाट पे डालते हैं, दही बड़े पे डालते हैं, बिल्कुल वैसी ही बनके ये तैयार होगी। अभी इसको एक साइड में रख देते हैं और गैस पे चढ़ाते हैं हम एक कढ़ाई। कढ़ाई में हम डालेंगे 1/2 टीस्पून के करीब रिफाइंड ऑयल। ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा, फिर हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून के करीब मोटी वाली सौंफ और इसको चटकने देंगे। सौंफ हमारी चटक गई है, अब इसमें हम डालेंगे 1/4 टीस्पून हींग। हींग बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, हींग जरूर से डालिएगा। और हींग को डालने के बाद हमने जो ये इमली का पल्प निकाल के रखा है इसको भी हम डाल देंगे। अभी ये बहुत पतला है, इसको हम चला देते हैं। ये हमारा 50 ग्राम इमली हमने भिगोई थी तो इसमें हम जस्ट डबल 100 ग्राम गुड़ ऐड करेंगे। 100 ग्राम ये हमने गुड़ लिया है और इसको हमने टुकड़ों में तोड़ लिया है। बस आप एक बात ध्यान रखिए, 50 ग्राम इमली का गूदा था तो हमने 100 ग्राम गुड़ लिया है और गुड़ भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। और अब हम गुड़ के गलने तक इसको तेज आंच पर पकाते रहेंगे। लगातार चलाने की जरूरत नहीं है, थोड़ी थोड़ी देर में आप इसको चला दीजिएगा। लगभग 5 से 6 मिनट बाद ये गुड़ इसमें पिघल जाएगा। ये देखिए, गुड़ अच्छे से हमारा इमली में मिक्स हो गया है और ये देखिए इस तरह से अभी हमारा घोल है। लेकिन आप सोच रहे होंगे, अरे ऐसी कैसी चटनी बनाई है, कितनी पतली है, लेकिन अभी ये बहुत गाढ़ी हो जाएगी। बस एक चीज हम इसमें ऐड करेंगे और उस चीज को ऐड करने से पहले हम इसमें डालते हैं थोड़े से मसाले और मसालों में हम डालेंगे
1/4 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च, हाफ टी स्पून भुना पिसा जीरा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है जीरे से, हाफ टी स्पून सफेद नमक, आप सफेद नमक की जगह काला नमक भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं दोनों चीज थोड़ा थोड़ा डाल रही हूं, थोड़ा सा काला नमक। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें हाफ टी स्पून सौंठ पाउडर। अगर आपके पास सौंठ पाउडर ना हो तो आप जिस समय इमली को मिक्सी में पीसे उस समय आप 1 इंच अदरक का टुकड़ा भी साथ में पीस लीजिए, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और ये चटनी आप 2 महीने तक स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं। मैं इसमें आज कोई ड्राई फ्रूट्स ऐड नहीं करूंगी, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स ऐड करने से क्या होता है ना, फिर वो बहुत दिनों तक चटनी हमारी नहीं टिक पाती है। इसलिए आज मैं सादी चटनी बनाऊंगी, जिसपे आप दही बड़े पे, टिक्की पे, जिस मर्जी के साथ आप इसको खा सकते हैं। सारे मसाले इसमें अच्छे से हमारे मिल गए हैं, और अब इसमें हम डालेंगे वो सीक्रेट चीज जिससे ये चटनी हमारी बिल्कुल होटल जैसी चिकनी गाढ़ी बनेगी। और अब इसमें हम चटनी जो आप देखते हैं ना होटल में, ठेलों में, ढाबों में, कितनी चिकनी सी बढ़िया गाढ़ी गाढ़ी सी होती है ना, उसके लिए हमने यहाँ पर लिया है 2 चम्मच आरा रोट, और इसमें पानी डालकर एक पतला सा घोल बना लेते हैं। आरा रोट का हमने देखिए इतना पतला घोल बना लिया है, और अब इस घोल को हम ये अपनी जो कढ़ाई में चटनी चढ़ी हुई है उसमें हम ऐड कर देंगे, और इसको हम चलाएंगे। आप देखिएगा ये और कितनी गाढ़ी हो जाएगी। आंच को हमने तेज कर लिया है और इसको हम चलाएंगे, एक बॉईल इसको आने देंगे। इसमें हम ऐड कर देते हैं 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। अगर आप तीखा ज्यादा पसंद करते हैं तो थोड़ा सा आप और डाल सकते हैं, और इसको मिलाएंगे। और ये देखिए आरारोट डालते ही आप आरारोट का कमाल देखिए, कितनी चिकनी कितनी गाढ़ी हमारी बन गई है ना चटनी, बिल्कुल ठेले वालों की तरह जैसे होटलों पे, रेस्टोरेंट में चीज पे डाल के देते हैं, चाट पे, सब पे। और अब ये ठंडी होके और गाढ़ी हो जाएगी, और ये देखिए कितनी बढ़िया चटनी हमारी बनके तैयार हुई है, कितनी बढ़िया से गिर रही है। एक बार जरूर से ट्राई करिएगा, और चटनी की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगे तो फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।